हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अम्बी मास्टर ऐप के बारे में कि इसमें कैसे आप एक बेहतरीन फोटो स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप फोटो से एक बेहतरीन व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं अपने हिसाब से MP3 लगाकर। जी हां, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एमबी मास्टर ऐप दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस आ जाएगा। और यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है, अगर हम इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद से हम इसमें से किसी एक को चूज़ करके व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यह रिपब्लिक डे पर बनाया गया है और भी इसमें आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरह का देख लीजिए, इसमें आपको एक दो नहीं बहुत सारे फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टाइल में फोटो स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी एडिटिंग करना है, इसमें सब स्पेशली एडिटिंग किया हुआ है। आपको बस अपना फोटो लगाना है। जी हाँ, इसमें आपको बस अपने गैलरी से फोटो अपलोड करना है। आप देख लीजिए, इसमें आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे स्टाइल। चलिए हम किसी एक को चूज़ कर लेते हैं, इसी पर बनाते हैं अपना फोटो व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो। तो हमें स्टार मेकिंग पर क्लिक कर देना है सिंपली। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस आ जाएगा। तो देख लीजिए, हम अपने गैलरी से 5 फोटो ले लेना है और प्लस पर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस पर क्लिक करना है। प्लस में जाकर हमें अपने गैलरी से फ़ोटो ले लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई भी फ़ोटो, एक इसे ले लेते हैं और श्योर कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमें एडिटिंग करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको क्रॉप करके लगा सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देते हैं और ओके कर देते हैं। चलिए हम 5 फोटो पहले क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। तो देख लीजिए, मैंने 5 फोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको आपको कैसे बनाना है, सिंपली हम आपको बता दें कि यहाँ जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्सपोर्ट का, और हम आपको बता दें कि इसमें आप अपने हिसाब से म्यूजिक भी लगा सकते हैं। यहाँ ऊपर जो दिखाई दे रहा है चेंज म्यूजिक, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आप जाकर अपने गैलरी से एक अच्छा सा फ़ोटो ले लेंगे। लोकन में हमें जाना है। लोकन में जाने के बाद से हमें अपने गैलरी से एक अच्छा सा, चाहे तो आप MP3 ले सकते हैं, या फिर इसमें भी सांग मिलेगा, इसका म्यूजिक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने गैलरी से भी कोई भी अच्छा सा म्यूजिक ले लीजिए और इसमें अपलोड कर लीजिए। तो चलिए हमें एक अच्छा सा म्यूजिक लेकर अपलोड कर देते हैं। देखिए, हमने अपलोड कर दिया है। अब हमें एक्सपोर्ट पे ओके करना है। यहाँ जो एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमें पूछेगा कि आपको हाई क्वालिटी में बनाना है कि मीडियम क्वालिटी में बनाना है कि लो क्वालिटी में बनाना है। तो चलिए हम हाई क्वालिटी में ही बना लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देख लीजिए, ये बन के तैयार हो गया है। और हमें सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है। ये हमारे गैलरी में चला गया है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गैलरी में कहाँ गया है। हम इसको काट देते हैं। हमारा सब कुछ प्रोसेस क्लियर हो गया है और यहाँ पे जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह का बना हुआ है। तो चलिए हम आपको गैलरी में दिखाते हैं गया है कि नहीं। पिन किया और यहाँ कैमरे में हमें आ जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कैमरे में आने के बाद से यहाँ पे हमारा वीडियो दिखाई दे रहा है। चलिए हम इस पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। चलो निकले, निकले। तो देख लीजिए, हमारा इस तरह से कैमरे वाले ऑप्शन में आ गया है ये वीडियो। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी वीडियो इसमें जाकर बना सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे स्टाइल में बनाने के लिए मिल जाएगा, बस आपको अपना फोटो लगाना है। उसमें सब कुछ एडिटिंग किया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।